दोस्तों पहले जोड़ों में दर्द की समस्या बुढ़ापे की निशानी मानी जाती थी लेकिन आजकल की इस नई लाइफ स्टाइल के चलते कम उम्र में ही लोग इस समस्या से परेशान हैं इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है शारीरिक गतिविधि का कम होना या फिर ना होना यानी कि जितना ज्यादा आपके शरीर में मूवमेंट होगा ये परेशानी आपको उतनी ही ज्यादा नहीं होगी जिन लोगों के शरीर में मूवमेंट कम होता है उन लोगों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होता है उनका शरीर का साइज बढ़ जाना या फिर शरीर मोटा हो जाना शरीर में कोई भी मूवमेंट ना होने की वजह से हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जोड़ों में दर्द की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है और आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले लेती है जो कि एक गंभीर समस्या बन जाती है जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है वे लोग अंग्रेजी दवाओं को पेन किलर खा करके दर्द को कुछ देर के लिए ठीक कर लेते हैं लेकिन बाद में इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो बहुत ही भयंकर होता है इसलिए जितना ज्यादा हो सके अंग्रेजी दवाओं का सेवन जोड़ों के दर्द के लिए ना ही करें तो बेहतर होगा दूसरी तरफ अगर आप इसका इलाज घरेलू नुस्खे या फिर आयुर्वेदिक तरीके से करेंगे तो ये जोड़ों की दर्द की समस्या न सिर्फ जड़ से खत्म होगी बल्कि इन चीजों का आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा आज हम बात करने जा रहे हैं जायफल के बारे में जिसे हम अंग्रेजी में नटमेघ भी बोलते हैं जायफल एक लोकप्रिय मसाला है जिसका प्रयोग दुनिया भर में ना सिर्फ मसाले के तौर पे किया जाता है बल्कि इससे कई दवाइयां भी बनती हैं। जायफल में एंटी इनफ्लमेटरी गुण होता है जो गठिया और भी पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है जायफल का तेल भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है एक चम्मच जायफल के तेल में एक चम्मच सरसों का तेल मिला करके इसको कुछ देर के लिए हल्का सा गर्म कर ले इसके बाद इस तेल से अपने जोड़ों पर मालिश कीजिए इससे जोड़ों का दर्द तुरंत समाप्त हो जाता है आप चाहें तो जायफल के तेल में लहसुन का तेल मिला करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं एक चम्मच जायफल के तेल में एक चम्मच लहसुन का तेल मिला लीजिए और इसे अपने जोड़ों पर मालिश कीजिए इससे भी जोड़ों का दर्द तुरंत समाप्त हो जाता है दो चम्मच सरसों के तेल में एक चौथाई चम्मच जायफल डाल करके इसे थोड़ा सा पका लीजिए इसके बाद इस तेल से अपने जोड़ों पर मालिश कीजिए इससे भी जोड़ों का दर्द बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है इसके साथ ही एक उपाय आप और कर सकते हैं रात में सोने से पहले एक ग्लास हल्के गर्म दूध में दो चुटकी जायफल का पाउडर डाल करके पी लीजिए इससे जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है जोड़ों के दर्द में आपको चाहिए कि आप अपना पेट हमेशा साफ रखें पेट से संबंधित आपको कोई भी परेशानी ना रहे तो इसके लिए आपको रात में सोने से पहले दूध में जायफल डालकर ज़रूर पीना चाहिए जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की परेशानी है उन्हें पूरे दिन भर में एक बार एक चम्मच शहद में एक चुटकी जायफल का पाउडर डाल करके जरूर खाना चाहिए इससे जोड़ों का दर्द शांत हो जाता है जोड़ों में दर्द नहीं होता है और सूजन भी खत्म होती है दोस्तों जायफल के और भी बहुत सारे फायदे हैं और भी बहुत सारे रोग हैं जिसका इलाज जायफल से बड़ी ही आसानी से हो जाता है ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसके बारे में मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार